बिल्कुल डंके के साथ आएंगे, गाजे बाजे के साथ आएंगे और फिर वही परचम होगा, वही अंदाज होगा जो 2017 में उन्होंने जो लहराया था। और मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जो कार्य किया है और ये कार्य निरंतर प्रगतिशील प्रगति के रास्ते पे जो गरीबों के हक के लिए उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन सब की दृष्टि को देखते हुए मैं बड़ी बड़ी बातों पे तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कार्य के नीतियों के इनके नीतियों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 2022 में हमारे योगी महाराज जी का दोबारा आगमन। वो ऐसी जैसे ना जाने कैसे और भी ऐसे अन्य लोग हैं जो अपने दल अपने क्षेत्र का विकास छोड़कर हमारे महाराज जी के क्षेत्र में क्या करने आ रहे हैं। पहले अपने क्षेत्र का तो विकास करें, अपने क्षेत्र के बारे में भी तो यहाँ पे बताएं क्या किया है, उनकी उपलब्धियाँ क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक। लखनऊ शहर में इस वक्त मौजूद हूं और आपको बताना चाहूँगा VVIP गेस्ट हाउस के आसपास जो है इस वक्त मैं चक्कर लगा रहा हूं, लोगों से जान रहा हूं कि आखिरकार जो है 2000 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 8 महीने का वक्त ही बाकी है। बहुत सारे लोग मिल गए चाय पीते वक्त, जो है सुबह का टाइम है, तकरीबन 11 बज रहा है। मेरे साथ में एक शख्स मौजूद है, क्या नाम है? मेरा नाम पवन जायसवाल है जी। आप लखनऊ से? मूलतः मैं बलिया जिले का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा भी यहीं चूँकि लखनऊ से हुई है और मैं काफ़ी समय से मेरे पूरे परिवार जो है यहीं पे कार्यरत है, तो मैं यहीं पे अपना शिक्षा और कार्य क्षेत्र मेरा अपना कर्म यहीं पे बना रखा है। क्या लगता है आपको कि इस बार जो है यूपी में सरकार जो है बदलेगी या वही सरकार वापस? महाराज योगी जी का आना एकदम सुनिश्चित है, इसमें कोई कहीं का संदेह नहीं है। और बिल्कुल डंके के साथ आएंगे, गाजे बाजे के साथ आएंगे और फिर वही परचम होगा, वही अंदाज होगा जो 2017 में उन्होंने जो लहराया था। और मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जो कार्य किया है और ये कार्य निरंतर प्रगतिशील प्रगति के रास्ते पे जो गरीबों के हक के लिए उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन सब की दृष्टि को देखते हुए मैं बड़ी बड़ी बातों पे तो नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ कार्य के नीतियों के इनके नीतियों के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 2022 में हमारे योगी महाराज जी का दोबारा आगमन है और ये इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। आप एक जनता के गरीब से पूछिए कि जिसके पेट पे जिस तरीके से महाराज जी ने जो कार्य किया है, इसमें 100% योगी जी महाराज जी का आने का है। सवाल आपसे है, जैसा कि इस बार के चुनाव में जो है कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं कि योगी जी के लिए बड़ी चुनौती भी सामने आने वाली है, हैदराबाद से ओवैसी आ रहे हैं, इसके अलावा केजरीवाल भी जो है यहाँ चुनावी दस्तक देने वाले हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस बार उनके सीटों पर असर पड़ेगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो है पिछली बार जिस तरीके की बहुमत मिली थी उसकी इस बार बहुमत मिलने की चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ओवैसी जो हैं बरसाती मेढक हैं, उनको तो आना है। वो जब चुनाव का दरमियान होता है तो वो जिले उससे हमारे महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसमें 100% है कि महाराज जी आ रहे हैं। वो ऐसी जैसे ना जाने कैसे और भी ऐसे अन्य लोग हैं जो अपने दल अपने क्षेत्र का विकास छोड़कर हमारे महाराज जी के क्षेत्र में क्या करने आ रहे हैं। पहले अपने क्षेत्र का तो विकास करें, अपने क्षेत्र के बारे में भी तो यहाँ पे बताएं क्या किया है, उनकी उपलब्धियाँ क्या है, क्या कर रहे हैं बताइए। अखिलेश भी जो है अपने अखिलेश अभी क्या कर रहे हैं, अपने जो ट्विटर अकाउंट है उनका, फेसबुक है, डेली दिनचर्या में अगर आप देखें तो वो सोशल मीडिया पर जो है बस वो अखबारों के कट करके। जी, चुनाव का दौर है ना सर, तो इस समय सोशल मीडिया एक्टिव होगी। जो बीजेपी ने इन लोगों को एक दे दिया रास्ता, आज तक सोशल मीडिया का उपयोगिता ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन हमारे मंत्री मोदी साहब ने इनको एक रास्ता दिया, आज उसी रास्ते पर भी ये लोग चल रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ा, अपना रास्ता तो चुने। आज ट्विटर और सोशल मीडिया का उपयोगिता कम से कम हमारे मोदी जी और योगी जी ने सिखा तो दिया इन लोगों को कि इस तरीके से भी किया जा सकता है, कम से कम कुछ तो सीखे ये लोग मोदी जी से। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे महंगाई की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बहुत बड़ा एक प्रहार किया जाता है विपक्ष की तरफ से बीजेपी के ऊपर, लेकिन अगर महंगाई की बात होती है तो केंद्र सरकार ही तय करती है हर चीज़ की महंगाई को लेकर के, उसमें राज्य का कहीं ना कहीं रोल रहता ही नहीं है। तो इस बार जो है क्या केंद्र की तरफ से लिए गए फैसले, जैसे महंगाई में बात की जाए तो गैस सिलेंडर की बात हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगी हो रही हैं, उसको लेकर के जो है किसान से लेकर के हर गरीब तबका जो है परेशान चल रहा है, तो इस बार क्या चुनाव में जो है कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा या कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी? ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को लेके कि जो कोरोना काल ने या कोरोना के वजह से लोगों के आर्थिक असर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाहिर सी बात है थोड़ी सी चीज़ें दिक्कतों का सामना हुआ है, लेकिन उस
ऐसी परिस्थिति में जब हमारे मोदी जी केंद्र सरकार में बैठे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे वरिष्ठ नागरिक, खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों को जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले बचाने की जो पहल रखी है, आज वरिष्ठ नागरिकों को देखिए कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हुई। और जो इंजेक्शन या तमाम तरह का जो कोविड का वैक्सीन लगाने का जो प्रक्रिया रहा, वो बहुत ही सफलतापूर्ण रहा। हर घर में हर एक एक व्यक्ति को उन्होंने कोशिश करके, और कहीं से किसी प्रकार की चूक ना हो। आज ये बताइए कि हमारे देश की आबादी कितनी है, और एक अमेरिका की आबादी तुलना कर लीजिए जितने की यूपी की है, तो हम सबसे बड़ी उपलब्धि होती है भाई साहब। मतलब अगर 10 देश की अगर आबादी मिला दिया जाए, हमारी इंडिया की है, तो जब वो देश जो अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे मोदी जी तो तब भी कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें तो हम उनकी सफलता को मानेंगे ना, जो इतना बड़ा चैलेंज को उन्होंने अपने हमारे भारत में जिस तरीके से एक्सेप्ट किया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और किसी प्रकार का मोदी जी ने इस कोरोना काल में भी नहीं किसी को दिक्कतें आई, चाहे गरीबों को राशन बराबर मिलते रहा। मैं साक्षात गवाह हूँ भाई साहब। मैं क्या नाम है, आप भी राशन लेते? राशन नहीं लेता जी, राशन नहीं लेता, लेकिन बस सेवार्थ कार्य में मैं भी लगा रहा, जी जान से लगा रहा, और तन मन धन से भी मैं बराबर लगा रहा। अच्छा, कोशिश किया जहाँ से हर गरीबों को हर तरीकों से, जिस तरीके से लोगों को दिया जा सके, हर तरह से दे। तो इस बार 22 में मोदी सरकार, योगी सरकार।